नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन, ड्यूटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए इस समय की खास खबर। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आज छिंदवाड़ा जिले के परासी स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इस तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए चुन्नारदेव विधानसभा से भी 42 बुजुर्गों को भेजा गया। आज स्थानीय राम मंदिर प्रांगण में पूजन अर्चन करने के बाद मेले में जा रहे सभी तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया एवं उनकी यात्रा की कुशल कामनाएं की गई। इस अवसर पर नगर पालिका के सभी पार्षद, जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी, जुन्नारदेव SDM रोशन साय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। देखिए खास रिपोर्ट। यात्रा के लिए अपने यहाँ से कितने लोग रवाना हुए? आज लगभग जनपद और नगरपालिका क्षेत्र से मिला के लगभग 42 लोग यहाँ से यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार की और माननीय कमलनाथ जी की ओर से मैं समस्त यात्रियों को इस यात्रा के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और निरंतर ऐसे क्रम चलते रहेंगे। कैसे माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हैं, कैसे एक एक तीर्थ स्थान का आनंद ले सकें और जो सब चाहते हैं कि किसी न किसी कारणवश परिवार की अपनी परिस्थितियों के कारण जो दर्शन नहीं कर पाते, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस की सरकार ऐसे समस्त श्रद्धालुओं को उन स्थानों में यात्रा कराने का काम करेगी जहाँ पर उनकी इच्छा है। धीरे धीरे आगे आगे हम बढ़ेंगे, अभी तक समय बड़ा कम है, अभी ये यात्रा एक चालू हुई है। आने वाले समय में और भी कई जगह, जैसे कि मैं पिछले विधानसभा सत्र में था, माननीय कमलनाथ जी की इच्छा है कि चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे हमारे मैहर की बात हो, चाहे हमारे उज्जैन की बात हो, जहाँ भी हमारे धार्मिक स्थल इस स्टेट में है, इस प्रदेश में है, समस्त श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा कराने का, उन पूज्य जगहों का पहुँचाने का काम माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार जा रहे हैं। यात्रियों को माननीय कमलनाथ जी की ओर से मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ और उनकी मंगल कामना करता हूँ। यात्रा पर करने हर मनोकामना, जिस मनोकामना को लेकर वो पहुँच रहे हैं, वो मनोकामना बहुत बढ़िया आप बताएं।